बच्चों, आज मैं आपको सिखाऊंगी शून्य से शिखर तक जोड़। देखिए, ये मैं बिल्कुल आपको बेसिक से सिखाऊंगी, जिन बच्चों से बिल्कुल भी नहीं आता उसके लिए हम देखेंगे कितने प्रकार के होते हैं। टाइप्स वन देखिए, इसमें हम एक अंक वालों को जोड़ेंगे। यह है हमारे पास दो और यह है तीन। इन दोनों को जो हम जोड़ेंगे, तीन और दो कितने होते हैं? पाँच। ठीक है, अब ऐसे ये है चार और छः, चार में छः जोड़ देंगे हम तो क्या हो जाएगा हमारा? दस। ये एक अंक वाले हैं। पाँच और नौ को जोड़ेंगे हम, ये हमारा हो जाएगा चौदह। ठीक है, ये टाइप वन, ये तो सभी से आते हैं, लेकिन मैंने बताए हैं आपको, बिल्कुल शुरू से पढ़ा रही हूँ ना। इसका टाइप सेकंड देखिए, टाइप सेकंड में अब हम दो अंक वाले पढ़ेंगे। टाइप सेकंड देखिए, ये है हमारा तीन और तीन, यहाँ तीन और तीन कितना होगा? ये हो जाएगा हमारा छः। ये है दो और ये है चार, चार और दो कितने हुए? छः। ये आ गया हमारा आंसर। अब इसी तरह का सेकंड देखिए, ये पाँच और तीन हो गए हमारे आठ, चार और दो छः। ऐसी ये है, नौ में जीरो जोड़ेंगे तो क्या होगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नौ का हमारे पास नौ ही रहेगा, क्योंकि जब हम नौ में यहाँ जीरो जोड़ेंगे ये, तो नौ का नौ आ जाएगा ये। और छः और दो कितने हुए? आठ। अब देखिए इसमें टाइप थ्री देखेंगे हम, इसमें हम करेंगे हासिल वाले। आपको पता होगा हासिल में क्या होता। ये देखिए छः और पाँच, छः और पाँच हम कितने होंगे? हम इसे जोड़ के देखेंगे, छः और पाँच ये हो गया हमारा, छः और पाँच को हम अलग से जोड़ेंगे, छः और पाँच हुआ हमारा ग्यारह, ग्यारह लिख देंगे हम। ठीक है, अब ये तो हो गया हमारा इकाई, और दूसरा वाला पार्ट हो गया इसका दहाई। ठीक है, ये हासिल वाले समझा रही हूँ मैं। इसका हम इकाई का जो है हम पहले लिख लेंगे, ग्यारह का हम एक लिख लेंगे। अब इसका जो हमारा ये बचा इधर वाला सेकंड वाला दहाई, जो ये एक बचा यहाँ पर हम ऊपर लिख लेंगे, इसके ऊपर दूसरी वाली संख्या के इसमें जुड़ेगा, इसको बोलते हैं हम हासिल। ठीक है, अभी हो गया हमारा चार और पाँच नौ, नौ में हम एक जोड़ देंगे तो हो जाएगा हमारा दस। अब इसका देखिए, इसी तरह ये दूसरा है पाँच और छः, अभी हमने जोड़ा था ग्यारह हुआ था, ये ग्यारह में से हम एक इधर वाला जो हमारा इधर है इकाई उसको लिख लेंगे, जो दूसरा है ढाई उसको हम ऊपर लिख देंगे। नौ और चार, नौ चार कितने हुए? तेरह। तेरह में हम एक और जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा चौदह। अब देखिए टाइप फोर, टाइप फोर में हम तीन संख्या वाले लेंगे, इसमें हम इसे जोड़ के दिखाऊंगी मैं आपको। पाँच और तीन कितना हुआ हमारा? पाँच और तीन आठ, आठ और एक नौ। अब देखिए ये छः और दो कितना हो गया हमारा? आठ, आठ और पाँच, आठ और पाँच हो जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा आठ और पाँच? तेरह। ठीक है, तेरह हो गया, ये तीन हो गया हमारा इकाई और एक हो गया हमारा दहाई। अब हम इकाई का तीन यहाँ लिख लेंगे, अब ये जो दहाई का एक बचा है हमारे पास, ये हम यहाँ ऊपर लिख देंगे। ठीक है, चार और दो छः, छः और तीन कितना हुआ हमारा? नौ, नौ रे दस। ये आ गया हमारा आंसर। इसी तरह ये वाला देखिए, एक और दो तीन और एक चार, अब ये है हमारा दो, चार और दो छः, छः और तीन नौ, ये इजी है, इसमें हासिल नहीं है। तीन और दो पाँच, पाँच और दो सात। देखिए अब ये देखिए थोड़ा लंबा सवाल, ये थोड़ा टफ होता है, इसे देखिए। ये है हमारा पाँच और दो सात, सात और तीन दस, दस और एक ग्यारह, फिर ग्यारह में से हम इसका ये लिख देंगे इधर वाला एक, एक बचा हमारा यहाँ ऊपर हासिल लिख लेंगे, इसको हासिल बोलते हैं, हासिल। अभी हो गया हमारा एक और दो तीन, तीन और चार सात, सात और दो कितना हुआ? नौ, नौ और एक दस, दस का हम लिखेंगे जीरो, फिर एक हासिल यहाँ ऊपर लिख देंगे। पाँच और दो सात, सात आठ नौ, नौ और चार तेरह, तेरह और एक चौदह, चौदह का चार, अभी हमारा फिर एक हासिल बचा, ऊपर लिख दिया हमने, हासिल लगा एक। तीन और दो पाँच, पाँच और चार नौ, नौ और पाँच चौदह, चौदह और एक हासिल का हमारे पास है, ये हो गया हमारा पंद्रह। इसी तरह ये देखिए, अब हम इसे जोड़ेंगे, पाँच और चार नौ, नौ और पाँच हमारा हो गया चौदह, चौदह और छः, चौदह और छः, इसको हम करके देख लेंगे, चौदह और छः, छः और चार दस का जीरो, हासिल लगा एक, एक और एक दो, ये हो गया हमारा चौदह छः बीस, बीस का हम जीरो लगाएंगे, ये जो है हासिल यहाँ दो लिख देंगे।
तीन और दो पाँच और एक छः, छः और चार दस, और दस और दो बारह, बारह का दो हासिल हम फिर यहाँ ऊपर लगा देंगे ये वाला हासिल। अब देखिए ये है हमारा तीन और दो पाँच, पाँच और पाँच दस, दस और चार चौदह, चौदह रे पंद्रह, पंद्रह का पाँच, फिर हमारे पास एक हासिल बचा, हासिल हमने यहाँ लिख दिया ऊपर। नौ और चार हो गए हमारे तेरह, तेरह चौदह पंद्रह सोलह, एक हासिल का है हमारे पास, ये हो गया सत्रह।